हाय दी। हाय। और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, रेडी हो रही थी। तुम्हारे जीजू के साथ बाहर जाने का प्लान हो रहा है। बेबी कॉफी रेडी है। मैं अभी आ रही हूँ डार्लिंग, साथ में पीते हैं। ओह दी, सीरियसली और रियली लकी। जीजू आपको कितना पैम्पर करके रखते हैं यार। ये आवाज कैसी आ रही है? कौन है? वाओ यार, ये बहुत ब्यूटीफुल है ना। लेट्स डू दिस ना। रहने दो यार, बस ना। क्या हुआ? कौन है? कोई नहीं, अनेबर। नेबर है? कुछ ज्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं है? या शी इज एक्चुअली। बाय, टेक केयर। हेलो। हाँ रोहन। अरे मेरी दारू खत्म हो चुकी है यार, तेरे पास दारू है क्या? चल ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हीर से पूछता हूँ। हेलो। हाँ रुको एक मिनट। आई लव यू, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। या ये कहाँ से आया? कहाँ से आया क्या? कब से अलमारी में पड़ा था, तुम्हें पता नहीं है? क्या बात कर रही हो? नाउ हैप्पी? अरे यार लॉट, आज ग्लास कहाँ है? आज तुम भी पियोगी मेरे साथ एक ड्रिंक? अरे नो, आई डोंट वांट टू ड्रिंक। कम ऑन, एक एक एक। वर्तिका। हाँ। आज मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है। लॉकडाउन खत्म होने में 4 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए एक डेट नाइट प्लान किया है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आराम करो और रेडी होकर मुझे 8 बजे बाहर मिलना। ओके कूल। ओके डन है। हैप्पी वर्कआउट। ये सब तुमने किया है? पक्का तुमने किया है ना? हाँ। अनबिलीवेबल। यश, हमने ये सब कुछ कभी पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हें बाहर जाना होता था और हम कभी बाहर जाते भी नहीं थे। वो तो इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मतलब? हाँ मतलब हम जब भी बाहर जाते थे तो पैसे तुम ही पे करती थी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। तो तुमने मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? कहना चाहा लेकिन तुमने कभी सुनना ही नहीं चाहा। रिलेशनशिप्स भी कितने फनी होते हैं ना, उनमें कभी नजर धुंधली पड़ जाती है तो कभी नजरिया।
से तुम जिंदगी में आई, देखा नहीं है मैंने खुदा, पर तुझ में है देखी खुदाई। भूला मैं अपने सारे गम जब से तुम मुझ में समाई। मैं तुझ में रहूं ओ जाना, वे तू मुझ में रहे, आकर गुफ्तगू ओ जाना, वे बिना कुछ कहे। मैं तुझ में रहूं ओ जाना, वे तू मुझ में रहे। वर्जी का वेट, मैं चेक करता हूँ, वैसे भी वॉक के लिए निकल ही रहा हूँ। हाय। हे किया, व्हाट्स अप? लेट्स गो फॉर द वॉक, लेट्स गो। बाय बाय। एक मिनट, घर का कोई सामान मत छूना। सबसे पहले बाथरूम में जाकर नहाओ और सारे कपड़े भी धोकर डालना। पता नहीं क्या क्या छूकर आ रहे होगे। अरे यार, इतना झंझट होगा तो मैं कल से तो मैं जाऊंगा ही नहीं, वही अच्छा है। यार भूख लगी है, खाना दे दो। रखा तो है खाना, खा लो। ये मतलब? मतलब इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो तुम, जॉगिंग पर जाते हो तो खाना भी हेल्दी खाओ। चिढ़ क्यों रही हो तुम? वॉक पर गया था, तुम्हें साथ में आना था तो मुझे बोल दिया होता, तुम्हें भी ले चलता। हाँ, जैसे पहले मुझे बड़ा अपने साथ लेकर घूमते थे तुम। What are you saying यार, साफ साफ बोलो ना। सच सुनने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? कैसा सच? यही यश कि तुमने हमेशा मुझे हर काम करने से रोका, हर जगह जाने से रोका। क्या कहते थे तुम मुझसे? कि इंडस्ट्री में सब गलत है, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत पहनो, इससे बात मत करो, इतना लेट घर वापस मत आओ। यश मैं कोई बच्ची नहीं थी, अपना सही और गलत पता है मुझे। लेकिन तुम्हें चाहिए ही नहीं था कि मैं काम करूं। मेरे ड्रीम्स, मेरा करियर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता था। और क्या करते थे तुम? मुझे जिन लोगों से मिलने के लिए मना करते थे, उनके साथ बैठकर पार्टीज करते थे, मीटिंग्स करते थे। इन द नेम ऑफ व्हाट? वर्क। आई मीन वाओ, तुम्हारा काम काम है और मेरा काम कुछ नहीं। जो लोग मेरे लिए बिल्कुल गलत है वो तुम्हारे लिए ठीक कैसे हो गए यश? और अगर वो लोग इतने ही गलत थे तो तुम क्या करते थे उनके साथ बैठकर? गलतियां करते थे क्या? यू नो, सच क्या है? सच ये है कि यश, तुमने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरे सारे ड्रीम्स खत्म हो गए, मेरा करियर खत्म हो गया तुम्हारी वजह से। I was concerned for you, Artika. Concern for me? अगर इतने ही concern थे, तो मेरे साथ चलते वहाँ पर, ध्यान रखते मेरा। लेकिन नहीं, मुझे क्यों ले जाओगे तुम अपने साथ? अपनी बीवी को साथ ले जाने में तुम्हें शर्म आती थी ना? You know what? This is the damn reason that we are not together. Yes, this is the reason. And I'm glad that we are not together.